नमस्कार प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन और खबर गुरदासपुर से आ रही है। किसान जत्थेबंदियां द्वारा पंजाब बंद की कॉल को पूर्ण समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। वहीं जिला गुरदासपुर में किसानों की तरफ से अलग जगहों पर रोष प्रदर्शन किए जा रहे हैं। जिला गुरदासपुर के बटाला के गांधी चौक में रोष प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। हजारों की तादाद में किसान इस रोष प्रदर्शन में पहुंचे और अपना गुस्सा केंद्र सरकार पर निकालते दिखाई दिए। अलग अलग तरह के नारे लगाकर मोदी सरकार पर निशाने साधे। किसानों का कहना था कि मोदी सरकार ने केंद्र में बैठकर तानाशाही रुख अपनाते हुए अपने गलत फैसले जबरदस्ती देश की जनता पर थोपे हैं और इन गलत फैसलों ने देश की अर्थव्यवस्था के ढांचे को चकनाचूर कर दिया। और इन्हीं गलत फैसलों में से एक फैसला खेती ऑर्डिनेंस को पास करके देश की किसानी को तहस नहस करने की कोशिश की जा रही है। पंजाब की पंजाबियत को निशाना बनाते हुए उसको खत्म करने की भी कोशिश की जा रही है। जब तक केंद्र सरकार ऑर्डिनेंस में गलत फैसले को वापस नहीं लेती, तब तक किसान अपने संघर्ष को जारी रखेंगे। प्राइम न्यूज 24 के लिए गुरदासपुर से जतेंद्र कुंडल की रिपोर्ट। यही जेड़ा मोदी सरकार 3 ऑर्डिनेंस लेके आया वा उन्होंने खिलाफ लगातार 7 सितंबर तो लेके मोर्चे चलते आए हूँ तक डीसी दफ्तर SSP दफ्तर जिला जेल पर अंदोलन 24 नवंबर तो लैके अही रेल रोको प्रोग्राम रेल रोक के बैठे हुए हैं। 1.5 महीना हो गया रेल रोको न इस करके कानून बहुत मारू आ हर एक दुकानदार आते हर एक मंडी आते हर एक बंदे आते मारू आ ये असी कभी भी पास नहीं हो देवे जो भी सू करना पा करा असी ये कानून पास कदे नहीं हो देवे। 7 सितंबर तो लैके 1.5 महीना हो गया रेलों से हर एक अही मतलब प्रदर्शन किया बहुत ज़्यादा अज साडा प्रदर्शन 4 घंटे का वा 12 बजे तो लैके 4 बजे तक सिर्फ अपना ट्रैफिक जाम करता ही आ बाकी नहीं आ इस करके अं हूँ तगड़े हो के जथेबंदी का अगला जो प्रोग्राम आ वह 26 से 27 नवंबर न दिल्ली जान का वा उस आर पार की लड़ाई का ऐलान किया हो वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी। अपने पिंड वालों समुचे पिंड वासी इस धरने के शामिल होए हैं जो साड़ी जथेबंदी ने पूरे जरा 100 जो 150 जथेबंदियां ने पूरे हिंदुस्तान चक्का जाम किया वो चक्के जाम के तहत अज असी इतने भी चक्का जाम किया। असी किसी का ये नहीं भी पब्लिक को असी खराब करना चाहते हैं ये मोदी सानू खराब कर रहा किसानी दे लई जिहड़े 3 बिल लैके आए इन्ने घातक ते इन्ने घटिया ने भी उन्हों जबान दे नाल बयान नहीं किया जा सकता क्योंकि ये हर कहना सानू उल्टा सानू समझाने लग्या कि साढ़े लिए बहुत चंगे कानून ने। मैनू एक गल दसो किसी आन के आम किसान दे नाल भी बहस कर ले उन्हू एक फायदा भी दस देवे जिहड़ी इहदी जमात है BJP वह भी बंदे आंदे भी बहुत चंगे कानून ने उन्हों का कोई रिप्रजेंट आ एक किसान आम पिंड दे विच जाके देख ले भी ये किन्ने क चंगे ने। देखो वो की नंबर एक जिहड़ा किसान का ते आड़ती का रिश्ता आ वो एक 9 मास का रिश्ता आ अज रात 12 बजे भी उन्होंने लोड़ पैंदी आ तो वो अपने पैसे उस को जाके लै लेंदा बैंक चो असी पैसे लैन देवे 10,000 नहीं बैंक ने देना उस को 1,00,000 रुपया भी फट लेंदा क्यों एक प्यार दे एक फेस टू फेस वैल्यू वा एक उदू भी आस है भी मेरी फसल लैके आंदा आ तो मैं ये फसल के जो पैसे मैं रीपेमेंट हो जाती है। बैंक ने इदा कभी करते 100 थावे कागजात साइन करके तभी पैसे नहीं देंगे इन्ना भ्रष्टाचार फैलाया हो फिर अज जी ये कहें भी बहुत चंगे कानून है किसान आते असी आने बड़े माड़े कानून तुम्हें बिहार के जाके वेख लो उत्थे MSP है नहीं की हाल है उत्थे हाँ जी किसी होर तो जिहड़ा साडा ये मंडी सिस्टम बनाया साडे जिहड़े बजुर्गों ने अपनी मेहनत दी सदका असीं ये मंडी सिस्टम बहाल रखना चाहुंदे आ साडी MSP जिहड़ी ये बहाल रहे साडा होर किसी ने जिहड़ी ये तरीके नाल लगदा भी अबानी अडानी दोवां बंदियां नूं असीं देश वेच देना ते भाई तूं देश वेचण दी बजाय तूं खुद इस्तीफा दे दे जे तेरे ते इहदे जाना ज़्यादा ही दबाव है ते पब्लिक दा गवर्नमेंट दा काम हुंदा पब्लिक दी वैलफेयर करना ना कि पब्लिक दी संगी कुटना ये तो पब्लिक दी मारन ते तुल पिया।